जनता जान चुकी है कि झूठे जुमले हैं इनके, इनके झूठे जुमलों से जनता बिल्कुल तस्त है, परेशान है। मोहर वाला करा दें, आज सरकार बना के दिखा देंगे। आज ये जब हम वोट नहीं डालने तो वोट डाल कौन रहा है उन लोगों का? कभी 370 हटा देते हैं, कभी 370 लगा देते हैं। अधिकारियों को भी खुला अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि या तो अपनी सीट बचाओ या हमारी सरकार बनाओ। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। संविधान दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन लोगों ने लगातार EVM पर सवाल उठाया। जाति जनगणना की बात कही राहुल गांधी ने, उनको लगता है कि संविधान खतरे में है और EVM पर सवाल इसलिए लगातार जिस तरह से BJP के खिलाफ एक हवा होती है लोगों में, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सहमत हो जाती है, सक्षम हो जाती है। अब क्या कुछ है इसको लेकर लोगों के बीच क्या विचार है, क्या उनके मन में है, जान लेते हैं। कुछ महिलाएं हैं मेरे साथ, तो उनसे बात कर लेते हैं। कैसे देख रही हैं, देखिए संविधान दिवस पे जिस तरह से EVM पर लगातार सवाल उठाया विपक्ष ने। संविधान दिवस है और हम लोग मना करके भी आ रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी से महिला अध्यक्ष भी हैं, मुन्नी पाल मेरा नाम है। और संविधान के क्या वो कर रहे हैं संविधान में, आप बताइए। आप लोगों से ज़्यादा हम लोगों को इतना नहीं मालूम, लेकिन हम लोग ये जान सकते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज महंगाई जिस चरण पे है, बेईमानी तो हो रही है, तो आप भी जान रहे हो, मीडिया को जान रही है, हम लोग जान रहे हैं, बेईमानी तो हो रही। अगर बेईमानी नहीं होती तो 2000 अभी उसमें कितनी वोटें आई हैं, हमारी कितनी सीटें आई, और उसके बाद आज देख रहे हैं क्या कितनी बेईमानी कर दी है। इतनी जनता हमारे साथ है और जनता आगे भी हमारे साथ रहेगी, क्योंकि जनता जान चुकी है कि झूठे जुमले हैं इनके, इनके झूठे जुमलों से जनता बिल्कुल त्रस्त है, परेशान है। अगर परेशान है जनता, परेशान है, त्रस्त है, लेकिन लगातार विपक्ष ये आरोप लगाता है कि BJP झूठ का, फ्रेप का ना, और धर्म का एक सहारा लेकर सत्ता में आती है। EVM पर भी सवाल उठ रहे हैं, महाराष्ट्र में फिर से सरकार बन गई। तो अगर जनता परेशान है, जनता के मुद्दे पे बात नहीं करती BJP, तो सरकार का EVM आज मोहर वाला करा दें, आज सरकार बना के दिखा देंगे। आज तो EVM दूसरे जिन राज्यों में सरकार बना लेती है विपक्षी दल, तो वहाँ पर EVM का मैजिक देखिए। अभी आप संभल का चुनाव आपने शायद देखा होगा, किस तरह से प्रशासन ने लोगों को बंदूक की नोक पे रखा और लोगों को घर से निकलने नहीं दिया और वोट डालने नहीं दिया। जब हम वोट नहीं डालने तो वोट डाल कौन रहा है उन लोगों का? आप ये जो एक अभी हिंदू मुस्लिम, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी के नाम पर ये लोग आपस में लड़वाते रहते हैं। और रही संविधान, संविधान की तो ये कभी 370 हटा देते हैं, कभी 370 लगा देते हैं, कभी कहीं पे कुछ भी नहीं है, 144 धारा लगा दी। तो इन लोगों का काम है षड्यंत्र करना, संविधान को मिटाना, लेकिन इतना आसान नहीं है संविधान को मिटाना। हम लोग अपने अधिकारों का, ये हनन है जो हम लोगों को बाबा साहब ने अधिकार दिए, उसका हनन है एक हिसाब से देखा जाए। उसमें हमारी शिक्षा का भी जो भी मतलब उन्होंने कहा, हमारे अधिकार एक तरह से संविधान में जो बताए गए हैं, ये कहीं ना कहीं अधिकारों को हटा रही है, मिटा रही है। लेकिन हम लोगों को जो अखिलेश भैया जी हैं, उन्होंने कहा कभी भी संविधान ना हम लोगों के रहते, विपक्ष के रहते, कभी मिट सकता है और ना मिटेगा। और ये जितना भी बेईमानी कर ले या धर्म का झगड़ा कर ले, 2027 अभी है, ये प्रशासन का चुनाव था, उपचुनाव जो प्रशासन का होता है उससे कोई घबराए ना। और अभी जो 2027 का चुनाव है उसमें देखिए क्या होता है। तो क्या लगता है कि अगर इसी तरह ये EVM से बेईमानी करते रहेंगे तो क्या 27 में सरकार बना पाएगा विपक्ष? देखिए, बेईमानी करना ना करना तो उनका काम है, लेकिन हम लोग तो सत्ता पक्ष वाले लोग हैं और हम लोग संविधान के ही अकॉर्डिंग काम करते हैं, संविधान के ही लिए काम करते चले आ रहे हैं। और रही बात उनकी जीतने की, तो वो तो षड्यंत्रकारी लोग हैं, प्लस EVM में जो छेड़छाड़ होती है वो हम लोग खुद ही मतलब बूथ प्रभारी भी बन चुके हैं, सेक्टर प्रभारी बनकर भी देखा है। तो सारी EVM की चार्जिंग कैसे, मतलब इतने परसेंट देने पर भी सारी मतलब चार्जिंग फुल की फुल कैसे रह जाती है, ये समझ में नहीं आता। ये बीच में ही धोखाधड़ी कहीं पर होती है, तभी हमारी सत्ता रह जाती है। हमारी सरकार आने से हम लोग चूक जाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया जाता है कि अधिकारियों को भी खुला अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि या तो अपनी सीट बचाओ या हमारी सरकार बनाओ। अरे, सबसे बड़ा EVM चेंज कर दिया जाता है। अभी आपने देखा एक ट्रक EVM पकड़ी गई है, कभी कहीं पे देखा, कभी ताला खुला पाया, क्या ये सब क्या, ये गड़बड़ी है, बेईमानी है।
भाई कहीं पे आप देखिए एक ट्रक एवीएम कहाँ से आ गई, उसको चेंज कर दिया जाता होगा तभी तो। और ये मशीन बनाने वाले या इस पे कार्रवाई होना चाहिए और इसको हटा देना चाहिए और ब्लैक पेपर पे ही चुनाव होना चाहिए। जो हो चुनाव हो तो हो सकता है हम लोगों की पक्ष रहे हम लोगों का, और क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा संघर्ष करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का परसेंटेज गिरा हुआ आता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पर इन लोगों की षड्यंत्रकारी से ही ये लोग जीत जाते हैं। देखिए अच्छा खैर वो जो जाति जनगणना है ये कितना सही है? देखिए जो जाति जनगणना है, जाति जनगणना जो वो करा रहे हैं तो अपने हिसाब से वो एक समझ लो एक जनता को भिड़ाना लड़वाने का काम कर रहे हैं जाति जनगणना, क्योंकि हम लोग जाति जनगणना में सबको ही लेके चलते हैं, दलित हैं मुस्लिम हैं हिंदू हैं आदव हैं सभी को लेकर के चलते हैं, हम लोग सभी को लेकर के चलेंगे और हमेशा चलते रहेंगे। वो चाहे जितना ही पुलिस प्रशासन का वो कर ले सहयोग कर ले या कुछ भी लगा के सहयोग कर ले, लेकिन कभी ना कभी इंसाफ ऊपर वाला करता है, ऐसा नहीं है कि इंसाफ ना हो, इंसाफ तो होना ही होना है, कितनों बेईमानी कर लेंगे। इनकी सरकार से सब लोग त्रस्त हो चुके हैं, सभी लोग झेल रहे हैं महंगाई से बेरोजगारी से, और जो जो इन लोगों ने मर्ज किया है वो मतलब कि सारा स्कोप इन लोगों ने बहुत छोटा कर दिया है, तो विकास नाम का मात्र रह गया है बाकी और कुछ नहीं है। सिर्फ मुद्दा ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि धार्मिक के पर्पज से यही ये लोग जीत रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। धर्म की अगर बात ना करें तो ये लोग नहीं जीत सकते? नहीं जीत सकते बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन लोगों ने मतलब माइंड ये सेट कर दिया, जनता का पब्लिक के मन में ये डाल दिया है कि मतलब हमारा धर्म आगे हिंदू खतरे में, कोई कहता मुस्लिम खतरे में, लेकिन है यहाँ पर सब खतरे में। देखिए ये जब जब चुनाव आते हैं तब तब ये धर्म की राजनीति करते हैं, मतलब जो है जनता को पब्लिक को बहकाने का काम, बहका दे चुनाव का समय है बहका दे जनता इधर उधर भागेगी मैं बेईमानी मार दूंगा, मतलब बीजेपी का कार्य ये है। क्योंकि अगर राजनीति ये खुल के करना चाहे कि जनता के बीच उतर के देखे जनता क्या कह रही है, जनता किस हाल में है, जनता कैसे परेशानी झेल रही है, जनता के अच्छे दिन आगे की परेशानी, जनता के तो अच्छे दिन है, जनता के अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि ये बेईमानी ही कर रहे हैं, बेईमानी कब तक चलेगी, एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे ही और पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके वही वाला हाल है बेशर्मी और चोरों को कितनों लात जूते दिया जाए लेकिन उसकी चोर की आदत नहीं जाती है, आदत जब ही जाती है जब वो उसके अंदर जाता है। और ये होगा, ये जब हमारी सरकार आएगी समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया जी की तब ये होगा, क्योंकि आज ये जनता को देखिए लोगों के बीच ये माहौल बना हुआ है कि जब धर्म की बात बीजेपी पार्टी करती है यानी कि जब उसे वोट लेना होता है हिंदू मुसलमान को आपस में बांटना होता है क्योंकि मुद्दों पे तो बात करती नहीं है, तो धर्म और जाति पर बात करके लोगों को बहकाते हैं और बहका कर वोट लेते हैं, शायद यही वजह है जो लगातार जीत रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या इस पर राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, होप एम न्यूज़ नेटवर्क।